इस क्वेश्चन को देखो, निहायत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना, आपसे कह रहा है कि आपके पास ये 4 कैपेसिटर है सीरीज में लगे हुए, नहीं पता तो यहाँ से चार्ज फ्लो करके देखो, चार्ज जाएगा इस तरह से निकल जाएगा, घूमता हुआ आएगा इस तरह से, निकलता हुआ इससे भी निकल जाएगा, तो सेम चार्ज सभी के अंदर से निकल कर चला गया। जब सेम चार्ज सभी के अंदर से निकल कर जाता है तो वो सब के सब कैपेसिटर आ जाते हैं सीरीज में, किस में आ जाते हैं सीरीज में, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। हमसे कह रहा था इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर शोन इन द फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, तो पी और क्यू के बीच में यहाँ पर सी इक्विवेलेंट आएगा, उसकी वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है, दे रखी है। तो हमसे कह रहा है कि हर एक कैपेसिटर की वैल्यू बता दो, हर एक कैपेसिटर की। आपको बड़े अच्छे से बता रखा था मैंने, हालांकि इसको आप कह दोगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, उससे भी आ जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट बता रखी थी मैंने। ये कह रखा था कि अगर सीरीज के अंदर सेम कैपेसिटर सेम रीडिंग के कनेक्टेड हैं तो उनका जो C इक्विवेलेंट होता है C/N, मतलब कैपेसिटर की रीडिंग और ऐसे ऐसे कितने सीरीज में हैं उनको आप एन से डिवाइड कर दो, ये होता है सीरीज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो सी इक्विवेलेंट है वो है 1, सी आपसे पूछा है कि कैपेसिटर की रीडिंग बताओ, लेकिन ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर हैं, तो 1 2 3 4 कैपेसिटर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 1 की, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अभी क्या है, ये माइक्रोफेरेड में ना, तो माइक्रोफेरेड, आंसर ख़त्म। इतनी देखो, दो तीन तीन लाइनों में आंसर आ गया। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर लिख देते सॉल्यूशन, दूसरे मेथड से आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, यही तो करते, एक से तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई C। देखो ये फॉर्मूला, देखो मैंने अभी आपको जो लिखा हुआ दिखाया है वो कहीं से नहीं निकल कर आया, वो एक ट्रिक नहीं है, वो एक मेथड है। देखो देखो इसी को देखो, सी इक्विवेलेंट उल्टा कर दो, ये आ गया, तो मैंने डायरेक्ट ये तो दिखाया था सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी अपॉन एन। ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर हैं जो सीरीज में लगे हुए जिनकी रीडिंग सी है, तो 4 कैपेसिटर, तो रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो वही तो लिखा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको शॉर्टकट के तरीके सिखाया गया था। अब सी इक्विवेलेंट ये आपको दे रखा 1, सी डिवाइडेड बाई 4, अगेन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। यही आपसे पूछा गया कि सी की वैल्यू बता दो, तो 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर लग चुका है, दोनों मेथड में से जो भी करना चाहोगे हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता, ना किसी का बाप ना किसी की माई की लाली।